तो धर्मा जी हमें बताएंगे आप यहाँ की आड़ू बेल्ट के बारे में कुछ, कितना यहाँ पर आड़ू होता है और क्या क्या बागवानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। सर, ये पूरा क्षेत्र जो है कि कृषि पर आधारित है जी। यहाँ पर आड़ू होता है मुख्यतः आड़ू जी। इसमें से सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्ट की है जी। और यहाँ पर जो है ये सब बिचौली के द्वारा होता है जी जो भी है, जी तो उचित दाम नहीं मिल पाते हैं यहाँ पर सही। अच्छा, तो ना कितना दाम फर्क रहता है, जैसे आपको कितना मिल पाता है बागवान को? 60-40 का रहता है सर। अच्छा 60-40 का, मतलब ये लगाइए आप अगर 2,000 का बिक रहा है तो 500 मिल रहा है काश्तकार को, अच्छा उसमें से 1,000 का बिक रहा है तो 300 दे रहे हैं जी। आड़ती लोग ने, बिचौली सब बिचौली हुआ हो रहा है जी। सरकार के द्वारा कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है यहाँ पे, जी तो कोल्ड स्टोर होना बहुत जरूरी है जी। ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल सब ट्रांसपोर्ट का काम भी सब बिचौलियों द्वारा है जी। बॉम्बे यहाँ से 40 रुपये में डिब्बा जाता है, वो 100 रुपये पर केस ले रहे हैं बिकता है, और 10 केजी जो आड़ू बिकता है हमारा मंडी में, हल्द्वानी मंडी में 1,000 रुपये का बिक रहा है, वो 300 रुपये काश्तकारों को दे रहे हैं जी। सर, जब तक हिंदुस्तान में बिचौलिया सिस्टम खत्म नहीं हुआ काश्तकारों की स्थिति नहीं समझ नहीं समझ और उत्तराखंड सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही जी। यह है सर।